सर मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों को इसको बंद करवा दो, इसको बंद करो, ये आवाज माइक में जाती है, इससे नहीं वहां से बटन से बंद बंद हो जाएगा, बटन से बंद होगा ना। अच्छा जी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, थोड़ी रोशनी करो यार, बंद क्यों है सब? यार ये बन के बगैर जाना नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन अभी आ जाएगी, तस्वीर भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। ओके अच्छा जनाब, बातें बंद, बातें बिल्कुल बंद, बातें बिल्कुल बंद, बातें बिल्कुल बंद। स्क्रीन आ गई भाई सबके पास? स्क्रीन आ गई, स्क्रीन आ गई। चलो अब यहां फोकस करो जरा प्लीज। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है जनाब, हमने लास्ट क्लास में जब ये देखा था कि हमने कैश लोज में कौन कौन से कैश लोज लेने वैल्यू न्यूज के लिए, तो मैंने आपको कहा था कि आपने सारे कैश लोज लेने हैं सिवाय 6 एक्सेप्शंस के, जिसमें से हमने डिस्कस की थी, कितनी? 2 एक्सेप्शन हमने डिस्कस की थी। आपने कैश लोज में इग्नोर करना है किसको? इंटरेस्ट को। आपने कैश लोज में इग्नोर करना है किसको? टैक्स को। ऐसा? अच्छा, ये थोड़ा सा इतफाक ये हुआ कि मुझे ना आप लोगों के जो किताब आ रही है ना, इसके एमसीक्यूज देखने का मौका मिला। एमसीक्यूज में ना किसी भी कॉम्पोनेंट का रीजन नहीं है, रीजन नहीं है। रीजन का मतलब बस एक्सेप्शन आपको पता होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए कोई भी चीज नहीं है। रीजन आपको नहीं पता होगा, मसला नहीं, ठीक है जी। जैसे हमें पता है कि यार इंटरेस्ट का रीजन क्या है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? डबल काउंटिंग हो जाएगी, अकाउंटिंग नहीं, डबल काउंटिंग हो जाएगी भाई। आवाज आ रही है मेरी? हम जो दोबारा लॉग इन हो जाओ। अच्छा जी, फिर उसके बारे में दूसरी चीज ये पड़ी कि हम टैक्स इसलिए इग्नोर करते हैं कि ज्यूरिस्डिक्शन इफेक्ट्स वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन पे ना, याद आ रहा है? अच्छा अब आओ जरा दोस्त प्लीज बोर्ड पे देखो। देखो बेटा, आज हमने पढ़नी है बाकी के एक्सेप्शन। 5 दफा मैंने बोला है पंखा बंद करके जाना, वही छोड़ के चले गए। इससे यार माइक में आवाज जाती है, फिर ऑनलाइन वालों को मसला होता है, और फिर जो रिकॉर्ड भी होता है ना वो सही रिकॉर्ड नहीं होता। देखो कोई बटन यार इस पे एफ लिखा होगा, वो फैन के लिए। जज़ाकअल्लाह बेटा। चलें सर बैठे, मुझे एक चीज ये बताएं सर, मिसाल के तौर पे हाँ जी सर, मिसाल के तौर पे एक एक कंपनी है, उसके पास एक ऑडिटर जाता है और ऑडिटर उस कंपनी को उसकी औकात याद दिलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक पीपी है, इसकी वैल्यू 100 रुपए कितनी, कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चों? अब बताओ इको हो रहा है या लॉ हो रहा है जी? FAR 1 हो रहा है, अब क्लियर है। चलो जी, अच्छा जी सुनो सर, मुझे एक बात बता, मेरे पास 100 रुपए की कैरिंग अमाउंट है मेरे बच्चों, इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 4 साल, कितने? 4 साल, गौर तो सुनना। और सर हमारे पास इस एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
से 80 रुपए, कितने? अगर आज मैं जाके इसको मार्केट में बेचूं कितने की बिकेगी? 80 रुपए की बिकेगी। चलाऊं तो वो वैल्यू न्यूज आपने अभी तक नहीं दी है सर, वो आप देंगे तो हमें पता चलेगा। चलो जी, इसकी वैल्यू न्यूज के लिए मैं आपको दे रहा हूं डाटा। सर इसकी वैल्यू न्यूज अगले 4 सालों में, गौर से सुनना, 4 सालों में सर इससे आएगी सेल्स 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए और 50 रुपए। सर कॉस्ट होगी 20 रुपए, 20, 20 और 30, ठीक है जी। कितना आ रही? 30। और सर आखिरी साल में हमारे पास 20 रुपए आ रहे हैं। सर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम। अज्यूम करो 10% का डिस्काउंट रेट है। निकालो जरा प्रेजेंट वैल्यू, निकालो जरा प्रेजेंट वैल्यू मेरे बच्चों। 30 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितनी? 27.2 पक्का? फिर सर, फिर उसके बाद सर 24.8 पक्का? फिर मेरे बच्चों फोकस फोकस, 22.5 फिर? ना 20 रुपीज है, कितना? 13 पॉइंट पक्का? अब बताओ इन सबको एडअप करो, इन सबको एडअप करो, इन सबको एडअप करो, इन सबको एडअप करो, क्या आ रहा है सर? वैल्यू न्यूज हमने निकाली है कितनी? 88.16 पक्का? अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो, बताओ सर, एक एसेट है मेरे पास जिसकी कैरिंग अमाउंट 100 रुपए, उसकी रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। अभी उसको जाके मार्केट में बेचूं 80 रुपए मिल जाएंगे, चलाता हूं उसको तो मुझे कैश फ्लोज मिलेंगे 30, 20। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है 88.16। क्या ये एसेट, क्या ये एसेट इंपेयर्ड है? क्या इसकी रिकवरेबल अमाउंट 88.16 है? क्या आपको लग रहा है कि ये एसेट इंपेयर्ड है? सर मुझे लग रहा है ये एसेट 11.84 रुपए से इंपेयर्ड है। मैं सर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे पास एक ऑडिटर आता है, कहता है सर आपका एसेट इंपेयर्ड है, आपके एसेट पे 11.84 रुपए की इंपेयरमेंट बुक होनी चाहिए। अच्छा मैं देखता हूं, मैं कहता हूं वाकई यार बात तो सही कह रहे लड़का, इंपेयरमेंट तो है। मैं उससे पूछता हूं, हाँ तुमने पढ़ा कितना है? सर सर मैं सीए इंटर किया हुआ है और मैं फर्गसन में हूं, और सर मुझे ये वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन पता है, मैंने FAR1 में भी पढ़ी थी, अभी FAR में भी पढ़ी है। मैंने कहा गलत पढ़ी है बेटा तुमने, हम आपको बताते हैं, ये जो हमारी मशीन है इसमें हम 2 सालों बाद, यहां पर 2 सालों बाद हम इसमें लगाएंगे एक चिप, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड चिप लगाएंगे, ये हमारी मशीन सर रॉकेट बन जाएगी। और वो रॉकेट ऐसी होगी कि जिसमें 30 बंदों के बैठने की जगह होगी, और हम यहां से लोग मार्स भेजेंगे, ये 4 घंटे में मार्स जाएगी और 4 घंटे में वापस आएगी। तो आइंदा आने वाले सालों में ये जो ईयर 3 और ईयर जो 4 का कैश फ्लो है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज ऐसे होगा कि यहां $200 मिलियन आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे $600 मिलियन। तो हमारा एसेट कितने का? 100 रुपए का है, तो मेरे हिसाब से कोई इंपेयरमेंट नहीं है। ऑडिटर ने कहा अच्छा, इसका सबूत, इसका सबूत कि आप ये काम करेंगे? मैंने कहा इसका सबूत दो कि दूसरे साल 50 रुपए की सेल जाएगी। अंदाजा है ना भाई, ये सारे अंदाजे हैं ना, तो मैं भी अंदाजा लगा रहा हूं कि थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ताला हम एक चिप तैयार करेंगे, इसमें जैसे ही घुसाएंगे इससे एक रॉकेट बनेगा, और रॉकेट बन के फिर इंशाल्लाह हम इस पर वो काम करेंगे। ये तो अभी मैंने आगे के आपको प्लान नहीं बताए, ठीक है जी, तो हमने खाली छोटा सा प्लान आपको बताया कि हम इससे रॉकेट बनाएंगे, ठीक है जी। अभी आपको नया प्लैनेट बनाने का हम सोच रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, इस तरह तो कोई एसेट इंपेयर नहीं होगा? हर बंदा कहेगा कि भाई मैं इंशाल्लाह अगले सालों में इसमें ये चेंज करूंगा और उससे इतने अरब के कैश फ्लोज आ जाएंगे। वैल्यू न्यूज क्या होती है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? अंदाजा। ऑडिटर ने अपने हिसाब से लगाया, मैंने उसको क्या कहा? मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस तरह तो दुनिया का कोई एसेट भी इंपेयर नहीं होगा? हर बंदा आके मुंह के फायर मारेगा, एसेट इंपेयर ही नहीं होगा, अब क्या करें? ऑडिटर ने सर स्टैंडर्ड से एक पैरा निकाला जिसमें यह लिखा हुआ था कि फ्यूचर ओवरहॉलिंग, क्या चीज? जो एसेट की शक्ल तब्दील कर दे। फ्यूचर ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? ओवर नहीं, एक एक बात हमने बचपन में पढ़ी थी,
सुनो सुनो सुनो, तीन किस्म के खर्चे होते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस और फर्क क्या है सर इनमें? सुनो, मेरी एक मशीन है जो 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, कितने खराब हो गई, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग गई, इसको सही कराऊं 5000 रुपए ले आऊं, ये क्या है? रिपेयर, एक टांग टूट गई थी, एक पुर्जा टूट गया था, एक ब्लेड टूट गया था, एक बेल्ट टूट गया था, मैंने सही करा दी, ये क्या है? रिपेयर है। रिपेयर करने पे क्या होगा? एसेट दोबारा अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। सर अगर एसेट को ओरिजिनल परफॉर्मेंस पे रखने के लिए खर्चे करने हो, जैसे मैं कहता हूँ ये एसेट हर साल 5000 यूनिट बनाएगा, लेकिन इसकी ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना पड़ेगी भाई, अदरवाइज खराब हो जाती है। साइकिल चलाते हवा भरना पड़ती है सर, गाड़ी चलाते पेट्रोल डालना पड़ता है, तो कुछ खर्चे ऐसे जो मेंटेनेंस के नाम पे, ऑयल चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब है मेंटेनेंस कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एसेट को उसकी अपनी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे रखने के लिए जरूरी है। ओवरऑल इनके असर पे हम सोच रहे हैं कि अब इसमें ऐसा काम कराओ कि ये 5 की जगह 7000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे? सर ओवरहॉलिंग वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट के, जो मशीन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ा देते हैं। मेंटेनेंस वो खर्चा है जो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट जितना वो दे रहा है उसी पे रखता है। रिपेयर क्या होता है? खराब एसेट को सही करने का खर्चा। अब बताओ सर रिपेयर्स का क्या करें? एक्सपेंस आउट। मेंटेनेंस का क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। ओवरहॉलिंग का क्या करते हैं? कैपिटलाइज। क्यों कैपिटलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि ओवरहॉलिंग के बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स आगे कई सालों तक मिलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? ओवरहॉलिंग को कैपिटलाइज, मेंटेनेंस को एक्सपेंस आउट, रिपेयर्स को स्टैंडर्ड। कह रहा है भैया अगर आपने फ्यूचर में सोचा हुआ है कि हम ओवरहॉलिंग करेंगे, अच्छी बात है, सोचा होगा आपने, आप उसको वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में नहीं ले। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन ऐसे करें कि जो एसेट जिस हाल में करंटली इसी हाल में रहेगा, हम इस पर कोई ऐसा खर्चा नहीं करेंगे जिससे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएं। यानी सर हम वैल्यू यूज कैलकुलेट करते हुए क्या इग्नोर करेंगे? फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट। कौन सी? अच्छा, फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट अगर लगेगी तो उससे क्या होगा? इनफ्लोज भी। स्टैंडर्ड आपसे कहता है वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में आपने ना सिर्फ ओवरहॉलिंग कॉस्ट को जो कि फ्यूचर में लगा रहे हो उस ओवरहॉलिंग कॉस्ट को इग्नोर करना है, बल्कि साथ साथ में उससे जो एडिशनल कैश फ्लोज मिलेगा उसको भी आपने क्या करना है? तो समरी बताऊं, ओवरऑलिंग, फ्यूचर ओवरऑलिंग का जो एक्सपेंस है उसको इग्नोर, फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में जो एडिशनल इनफ्लोज मिलेंगे उनको भी इग्नोर। यानी एसेट की इंपेयरमेंट कैसे टेस्ट करें? करंट हालात में एक वॉशिंग मशीन है तो उसको वॉशिंग मशीन ही रखो, ये नहीं बोलोगे इंशाल्लाह ताला कल हम इसमें कोई चिप डालेंगे और सर ये जो है ना वो मतलब एटम बम बनाने में हमें हेल्प करेगा, नहीं, कुछ भी नहीं। वॉशिंग मशीन उसको वॉशिंग मशीन ही रहने दो। क्या चीज इग्नोर करनी है? फ्यूचर ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर, फ्यूचर ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर और इसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज, ये दोनों क्या करने? अब बताओ हमारी लिस्ट हो चुकी है 4 चीजों की, इंटरेस्ट इग्नोर, टैक्स फ्यूचर ओवरऑलिंग इग्नोर, फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज इग्नोर। ऐसा जी मेरा बच्चा, देखो मेंटेनेंस एक अलग बात है, ओवरऑलिंग का मतलब ये होता है कि यार आप उस पर खर्चा करो, उसका नक्शा चेंज हो जाए, वो एडिशनल इनफ्लो देने लग जाए, ये ओवरऑलिंग, ठीक है ना? अच्छा देखो एआरटीटी में मेंटेनेंस एक्सपेंस चलता है, ऑनलाइन वालों एक मिनट रुक जाओ, मेंटेनेंस एक्सपेंस चलता है क्या? हर बैच के स्टार्ट में हम ये थोड़ा सा चुनावना करा के थोड़ा सफाई वफाई करा देते हैं, ये क्या है मेंटेनेंस? अब आप यहाँ आओ सर, आपको एक अलग ही नक्शा नजर आए, ठीक है जी, यहाँ एक अलग ही नक्शा नजर आए सर, आपको यहाँ जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, शटल्स नजर आए, आपको घर से उठा के यहाँ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ ला के आपको नहला धुला के फिर क्लास में लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी, आप हैरान यार मतलब कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, यहाँ आपको वीडियो गेम्स मिल रहे हैं, यहाँ आपको डब्बू कैरम ये सब कुछ मिल रहा है, और फिर उसके बाद हम कहें जी फीस है 25,000 रुपए। आप तो बताओ ये एडिशनल, नहीं नहीं मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के वास्ते यार, देखो मैं इसीलिए ना आपको मिसाल देते हुए 10 दफा सोचता हूँ, ये जलालत नहीं करो, ठीक है, मैं उसके बाद आपसे कहता हूँ फी है 25,000, तो बताओ वैल्यू यूज कैलकुलेट करते हुए जो एडिशनल फी है उसको भी इग्नोर करना, और जो ये खर्चे आप करने वाले हो उसको भी क्या करना? इग्नोर करना। एआरटीटी की इंपेयरमेंट एआरटीटी के करंट फॉर्म को देखते हुए डिटरमिन करो,
ठीक है जी। अब हम आपसे वादा करें भाई, यहाँ जीसीआर है, यहाँ बीसीआर भी होगा, और उसके हर कोने पे जबरदस्त किस्म के चार अलग अलग फ्लेवर वाले शीशे लगे होंगे, ठीक है जी। क्लास में इधर कुर्सियां होंगी, इधर थोड़ी सी घास होगी, पीछे जो हमने सोफे लगाए होंगे, जो बंदा जिस पोजिशन में कंफर्टेबल होकर पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकता है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद मैं आपसे कहूं कि फी है 27,000 रुपए, तो आपने क्या कहना है, सर कुर्सियां ही ठीक है ऐसा नहीं। चलिए सर, ऑनलाइन वाला एक बच्चा पूछ रहा है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मींस के मशीन अपने 100% पे काम करे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ऐसी मशीन बनाऊंगा पीछे आलू डलेगा आगे से सोना निकलेगा। अच्छा जी, डिस्पोजल वाला भी बता दे, लास्ट क्लास में क्लियर नहीं हुआ था, चलो मैं बताता हूँ रोशन। बिठा के 10,000 ले। बच्चे ने बड़ा सेट सवाल पूछा, उसने कहा सर कुर्सी से भी नीचे उतार दें, जहां बिठाना बिठा दें, 10,000 ले लें। गलत ऑफर है नवीद। अच्छा जी, एहसान खान एक चीज और पूछ रहे हैं कि एक मशीन की कैपेसिटी 80% पे काम करती है, तो उसे फुल कैपेसिटी पर लाने के लिए जो खर्चा होगा वो ओवरऑलिंग नहीं है, वो ओवरऑलिंग नहीं है, ठीक है जी। एक मशीन का जो पूरा पोटेंशियल है उससे ऊपर ले जाने के लिए, देखो एक मशीन है उससे हम 60 यूनिट बनाते हैं, क्योंकि कस्टमर 60 यूनिट्स का है, कल 40 कस्टमर और आ गए, हमने 40 यूनिट और बना दिए, जो खर्चा हो रहा है वो ओवरऑलिंग नहीं है। ओवरऑलिंग का मतलब क्या है सर, जो ऐसे डिजाइन हुआ है ना मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसके। अच्छा मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर लूं, चलो मुझे बताओ, मेरे पास एक मशीन है, पहले 200 यूनिट बनाती थी पूरी जान मार के, अब हमने खर्चा किया वो 300 यूनिट बनाती, ओवरऑलिंग है या नहीं है? मेरे पास एक मशीन है, पहले भी 200 यूनिट बनाती थी, अब भी 200 यूनिट बनाती है, लेकिन जो खर्चा हुआ है उससे मटेरियल पहले ज्यादा लगता था यूनिट बनाने पे, अब कम लगता है, ओवरऑलिंग है? यस सर। सर पहले मशीन जो थी हमारे पास 20,000 यूनिट बनाती थी, एक यूनिट 3 घंटे में बनता था, अब हमने खर्चा किया अब भी 20,000 यूनिट बन रहा है, एक यूनिट 2.5 घंटे में बन रहा है, सर ओवरऑलिंग है? हाँ सर। सर पहले एक यूनिट हम बनाते थे 20,000 यूनिट बनाते थे, खर्चा करने के बाद अब भी 20,000 यूनिट बना रहे हैं, पहले सर बने हुए यूनिट्स में लॉस आता था 5% का, अब बने हुए यूनिट में लॉस आता है 2% का, ओवरऑलिंग है? सर पहले भी हम 20,000 यूनिट बनाते थे, अब भी 20,000 यूनिट बनाते हैं, फर्क गया था, पहले वाला यूनिट सर 100 रुपए में बिकता था, नए यूनिट की क्वालिटी अच्छी है वो 115 रुपए में बिकेगा, ओवरऑलिंग है या नहीं है? ओवरऑलिंग का मतलब है किसी ना किसी तरीके से या तो तुम्हारी कॉस्ट बच जाए या तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाए, ऐसा, ये बात क्लियर है? अच्छा जी सुनो, पूरी डिस्कशन की समरी, पहाड़ हमने पूरा पढ़ लिया ना, याद हमें सिर्फ चूहा रखना है, वो चूहा क्या याद रखना है, फ्यूचर ओवरऑलिंग इज टू बी इग्नोर्ड, और फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी इग्नोर्ड, ऐसा ये अपने पास नोट कर ले। पिछले साल ओवरऑलिंग हो गई है तो वो कैरिंग अमाउंट में आ चुकी है ना, ओवरऑल बेसिस पे हम देखेंगे कि फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ओवरऑल बेसिस पे अगर फायदा नहीं हो रहा तो हम ओवरऑलिंग ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है जी। मेरे बच्चों मीन सर ओवरऑलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिल्कुल एफिशिएंसी बढ़ जाए अली जयान, या पैसे बढ़ जाए, किसी भी सूरत में आपको प्रॉफिट बढ़ जाए, ये दिमाग में रख, खर्चा कम हो जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए, नहीं फिर ओवरऑलिंग नहीं। अब ऐसा हुआ कि यार हमारे, हमने मशीन पे 5 रुपए का खर्चा किया, उस पर एक तावीज बांध दिया, हमारा कंपेटर मर गया, ठीक है ना, उससे हमारी सेल वैसे ही बढ़ गई, ये मैं जनरल मिसाल दे रहा हूं, मशीन नहीं चलाते ना, ठीक है जी। जी जनाब, कैश फ्लो सही गया आपका पहली क्लास, चलो जी। सर डिस्पोजल और नेट डिस्पोजल का क्या फर्क है ये बता दें, आज के सवाल में बेटा सारी चीजें आ रही है, ठीक है ना, आगे जो सवाल आ रहे हैं उसमें दोनों चीजें आ रही है। एक अहमद हसन ने सवाल पूछा था, शायद नहीं, किससे पूछा था, सर अगर यूजफुल लाइफ बढ़ जाए तो भी ओवरऑलिंग, बेशक बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मशीन पहले 10 साल चलनी थी अब 11 साल चलेगी, मशीन पहले 500 घंटे चलती थी अब 600 घंटे चलेगी, मशीन पहले 15,000 जो है वो केजीज प्रोसेस करती थी अब 16,000 केजीज प्रोसेस करती है, सारा ओवरऑलिंग जी।
यार मैं एक जगह पे ऑडिट करने गया था, उन्होंने किया ये कि एक स्विमिंग पूल बनाया अपने कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, बने हुए कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल बना दिया था। तो उन्होंने कहा इसका खर्चा कैपिटलाइज करें या नहीं। मैं उसे पहला सवाल पूछा, क्या आपने रेंट बढ़ाया? हमने तो कोई रेंट नहीं बढ़ाया, बस हमने स्विमिंग पूल बना दिया, हमने कहा लोग खुश रहे। तो कहता अब ये कैपिटलाइज हो गया या नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेंट वेंट उससे नहीं बढ़ा। मतलब एक एक कॉम्प्लेक्स है जो लोगों को रेंट पे उससे जगह दी हुई है, उससे एक स्विमिंग पूल बनाया और कोई रेंट नहीं बढ़ाया है जी। भाई मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, मतलब एक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक बंदे ने बनाया, वो रेंट पे जगह देता है लोगों को, ठीक है ना, और उसको ख्याल आया कि यार मुझे एक अच्छा स्विमिंग पूल बना देना चाहिए इसमें। तो उसने एक अच्छा खासा बड़ा पूल बना दिया अलग अलग लेवल्स का, लेकिन उसे रेंट में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और वो आया उससे मुझसे पूछा, मैं उस वक्त ऑडिट में सुपरवाइजर था, उससे मुझसे पूछा कि इसको कैपिटलाइज करूं या नहीं करूं। मैंने उसको जवाब दिया आप इसको बिल्कुल कैपिटलाइज करेंगे। उसने कहा मैंने तो रेंट बढ़ाया ही नहीं, फिर रेंट तो नहीं बढ़ाया। मैंने कहा नहीं रेंट नहीं बढ़ाया, लेकिन आपका एक पोटेंशियल लग गया है कि यार आपकी जो कैपेसिटी पहले 80% यूटिलाइज होती थी, ठीक है, 80% फ्लैट आपके ऑक्यूपाइड होते थे, अब शायद 80 से बढ़ जाए, ठीक है जी, क्योंकि लोग अब कंपेयर करेंगे आपकी कॉम्प्लेक्स को दूसरों से कि यार यहाँ पूल है और वहां नहीं है, ठीक है जी, तो लोग शायद आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा यार ये तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना। तो हमने कहा ये भी तो अंदाजा ही होता है ना, और क्या क्या होता है कि मशीन की लाइफ इतनी बढ़ जाएगी, अंदाजा ही होता है। उससे कहा यार आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, किसी तरीके से भी अगर आप जस्टिफाई कर दो ना कि जो एडिशनल खर्चा हुआ है उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे, तो वो क्या होगा सर, कैपिटलाइज हो जाएगा। और दो नंबरियां करनी है ना, मैं आपको इतना बता दूं, देखो तुम लोग ने नीचे लेवल पर जो अकाउंटिंग पढ़ी ना, ये अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग तुम अब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, सारी जो शेनानिगेंस होती हैं ये दो नंबरियां होती हैं, ये मतलब इसलिए तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम जाके कल पकड़ सको इनको। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग इतने हरामखोर हैं, आप जाके क्लाइंट्स को ये आइडिया दोगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप यकीन करो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरी एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक रिसर्च है मेरी, ठीक है ना, और वो रिसर्च है प्रैक्टिकल रिसर्च। ये मैं आपको इतना बता दूं, 1000 किस्म के मसले आते हैं, जितनी बड़ी फर्म्स के मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं मुझसे चीजें कंसल्ट करते हैं, क्योंकि मैं तौबा की है इस चीजों से। क्यों, मैं जिस जगह पे काम करता था, मैं शायद ऑनलाइन बता भी रहा हूँ, बाढ़ में जाए आप लोग सबक सीखो इससे, कि मैं जिस जगह काम करता था, जिस जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होता ये था कि सुबह हम बैठते थे एक मीटिंग में और हम लोग डिस्कशंस करते थे कि जी कैसे कंपनी का पैसा बढ़ाया जाए। तो उसमें बहुत सारी ट्रेड्स और डील्स ऐसी आती थी जिसमें एथिक्स की बैंड बजाई जाती थी, ठीक है ना, सारी चीजें वो आइडिया देना कंपनी को, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अब हमें एक चीज खरीदना हराम है, ठीक है, हम उसको कवर करके खरीदते थे, ठीक है जी, कवर लगा के खरीदते थे, कैसे, इसको मैंने पैसे दे दिए मेरे ब्याज पे खरीद ले, जो इस एसेट का रिटर्न है तूने मुझे देना है और हम तुम्हें 1% कमीशन पे करेंगे, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारी अरेंजमेंट्स मार्केट में बनती हैं, चीजें घूम घाम के, इधर से उधर, उधर से इधर, हेर फेर हेर फेर हेर फेर। एक टाइम पे मैंने आपको बताया ना, हमारी कंपनी में एक पीएन अपॉइंट हुआ, पठान पीएन, उसने आके मुझसे पूछा कि साहब आप कितने कमाते हो। हमने फखर से बताया, हमने कहा भाई 4.25 लाख तो तनख्वाह है और महीने का कोई बोनस बन जाता है 5-6 लाख का। तो उसने कहा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 मैंने जितनी क्वालिफिकेशंस ली है ना उसके हिसाब से ये भी कम था, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज इज पावर यार दोस्त, सीधी बात है। तो मैं उसको कहा कि यार इतने मिलते हैं और सही है यार, मतलब जितना मेरा दिमाग का काम चलता है उसमें इतने पैसे मिलने हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो पठान आदमी था, एजेड था, बारिश था, दाढ़ी थी उसकी, उससे मुझे कहा सर लाना था, झापड़ मार दो उसको यार। एक मौके पे आता है ना इंसान के जहन में तकबर, कि यार एक पीएन मतलब उठ के कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, मैं हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भी था, तुम यार मतलब, मैं उसके तसल्ली होता हूँ, मैंने कहा इतनी बड़ी बात एक बंदा करता नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नादर भाई क्यों आपने ऐसी बात बोली? उसने कहा यार जब अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म दिया और आप अभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ तलवार उठा के खड़े हो, सूद का काम करते हो आप, बात तो सही कह रही, या तो गुनाह को गुनाह समझे और तौबा कर लें, या हम कहें कि नहीं यार ये तो वो वाला सूद नहीं है जो अल्लाह ने के नबी ने मना किया था। बहुत सारे होता ना, वो हमारा सदर ममनून हुसैन कहता था जी कुछ गुंजाइश पैदा करें,
ठीक है, गुंजाइश पैदा करें, कुछ कुछ ऐसा शराब भी हो जाए, कुछ हलाल हो जाए, कुछ शराब को हम पानी में डालें, फिर पानी शराब से निकाल लें, फिर पी जाएं उसको, है कुछ ऐसे। तो उस बंदे ने इतना इतना ऐसी दिमाग को चोट मार के गया वो, कि मैं उसके अगले 15-20 दिन से सोचता ही रहा कि यार क्या अल्लाह मुझे किसी दूसरी जगह पे इतना पैसा दे देगा। मैं बड़ी गुर्बत से ऊपर आया हूँ, बड़ा जो है वो स्ट्रगल करके ऊपर आया हूँ, मैंने दिन रात एक किए हैं, ठीक है ना। मैंने मतलब आईकैप के पेपर ऐसे भी दिए कि मेरी वालदा ऊपर हॉस्पिटल में होती थी, ठीक है ना, और मैं नीचे जो है वो चाय के होटल पे उस बंदे से मतलब मिन्नत समाजत करके कि मैं पूरी रात पढ़ूंगा, इधर मुझे इजाजत दे। वो बंदा इतना नेक आदमी कि मैं पढ़ता था 3-4 बजे, जब मैं थक जाता था रात को तो वो कहता था यार इसी बेंच पे सो जा, कोई मसला नहीं है, रात को कौन आएगा। उसी बेंच पे जो है वो ना कोई मतलब चादर ना कुछ, वहीं सो गया। ऐसे भी मैंने टाइम निकाला है। मैं अल्लाह से ये सोचता था कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा इसका ऑल्टरनेटिव। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, उसने मुझे जॉब ऑफर की 1,20,000। मैं उसको बोला मैं वहां कोई 1 मिलियन रुपए कमा रहा हूँ, 1,20,000 मिलेगा पार्क सुजुकी में, मैं इंटरव्यू देने गया। उसके बाद मैं आया और मैं इतना अपसेट, मैंने सर तारिक को कॉल की, तारिक तो नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा है तारिक भाई मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा यार मतलब सीधी बात है, हराम हलाल का तो मामला है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैठे हो, अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ करें। वो ये कि एक दिन मुझे कॉल आई कि यार हम एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, एक बंदे की कॉल आई। मैंने कहा ठीक है यार चलो अल्लाह का नाम लेते हैं, मैं पैसे डाल देता हूँ, 60-70 लाख रुपए मैंने डाल दिए। यही जगह हमने ली इंस्टीट्यूट के लिए, उस वक्त इस इंस्टीट्यूट का नाम था अलमोइज, और अलमोइज का पहला बैच रिकॉर्ड, फिर बेईमानी शुरू। जो मेरा पार्टनर था उससे पैसे नहीं देखे थे कभी, तो जब इतने सारे पैसे देखे करोड़ों रुपए, उसकी आंखें फट गई। और उस बंदे ने फिर 2 नंबरी की, वो 2 नंबरी तीसरे बैच में जाके पकड़ी गई, वो भी तारिक भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की थी उसके अंदर, उसकी सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन निकलवा के। देन वी केम टू नो कि यार ये बेईमानी है, छोड़ दिया हमने। हमने कहा कोई मसला नहीं बंद करो। 70-80 लाख रुपए भी डूबे, 3 साल 1.5 साल मैंने काम किया, कोई पैसे भी नहीं लिए। एक पॉइंट ऐसा आ गया मेरी टोटल बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए पड़े हुए, और हम चले गए एक और इंस्टीट्यूट। वहां गए हमने, वहां सीए प्रोग्राम शुरू किया, पूरा सीए प्रोग्राम हमने ये केनेस को शुरू करके दिया, मैं प्रिंसिपल था वहां पे, शुरू हमने करके दिया। फिर उन्होंने भी पैसे नहीं देखे थे कभी, फिर हम उठ के यहाँ आ गए। ये जगह ना खाली थी, वो बंदा इसका होटल बनाने वाला था, तुक्के में हम पहुंच गए। हमने कहा यार अल्लाह वास्ते सिर्फ ये वाला रूम अलाउ कर दो हमें, इस रूम का 1 लाख रुपए का रेंट ले लो। उसने कहा नहीं मैं 3 लाख रुपए का रेंट दूंगा, पूरा फ्लोर तुम्हें दूंगा, लेकिन फिर अगले अगले 6 महीने से रेंट 4 लाख हो जाएगा। मैंने कहा भाई सुन लो मेरी बात, मेरे पास टोटल 30,000 रुपए, और मुझे अभी बराबर वाले इंस्टीट्यूट से ना चेक मिलने वाला है, और वो मुझे देगा चेक, वो तकरीबन को 50 लाख रुपए का चेक है। तो कुछ करके यार अल्लाह वास्ते, मैंने एसी एसी भी लगाने हैं, कुर्सी वर्सियों भी लेनी है, सब कुछ लेना है। तो वो करते करते कोई 30 लाख रुपए का चेक मिला, 20 लाख उन्होंने भी रोक लिए। तारिक भाई ने अपनी गाड़ी दे दी, ठीक है, तारिक भाई ने कोई 10 लाख रुपए अपनी जेब से दे दिए, हमने मिला जुला के ना ये क्लास रेडी कर ली। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ। आज मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मैं कमा रहा था ना उससे थोड़े से ज्यादा ही दे दिए। उससे बहुत ज्यादा दे दिए, ठीक है ना। एंड अल्लाह का शुक्र है अब हलाल है, हराम भी नहीं है, है? तो हाँ, ये जो बच्चे ने आवाज दी यहाँ पढ़ने नहीं आता है, इसको हम यहाँ भी क्लाइंट पे भेजेंगे। क्या करवाते भाई तुमसे, पढ़ाते ही है ना तुम्हें, नशा तो नहीं बेचते ना। चलो जी सर, फिर भी फीस लेते हैं आप, वेरी गुड। जो ये बच्चे ने बहुत अच्छा बात, हमारे छोटे बच्चे ना मट्टी खाते हैं, शाम में होता 2 पत्थर तोड़ के मैं दोनों को दे देता हूँ, आधे आधे खा लो, कोई पैसे ही खाएंगे ना वो हैं। और ये जो जो रेंट है इस जगह का, वो हम देते हैं सर पत्थरों में, ठीक है जी। तो हम रोड से कलेक्ट करके दे देते हैं मालिक मकान को। और बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक ने फ्री की हुई है, क्या आप तालीम की फीस नहीं लेंगे हम यार। चलो भाई हाँ सर, ये जहन में बैठ गई, ओवरऑलिंग इग्नोर, ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज इग्नोर। दो चीजें और फिर एक बड़ा सवाल, दो चीजें और फिर एक बड़ा सवाल, ये कॉपी करना है यार, मैं कर लिया बेटा, दिमाग में रखो। स्टार्ट छोटा भी करोगे ना, काम अपना करना, एक लेवल तक नौकरी करना,
इसके बाद फिर बिजनेस करना अपना, इंस्टीट्यूट नहीं खोलना सीएगा, अभी पहले कमा ले दो। आज पूरी दुनिया का 90% निजाम इंटरेस्ट बेस्ड है, डेफिनेटली है। अल्लाह के नबी ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सूद से बच ही नहीं पाओगे, मेरी उम्मत सूद के गुबार से बच ही नहीं पाएगी। तो इसका क्या मतलब है, सूद खाए मंड गए? अल्लाह के नबी ने बोला नहीं बच पाओगे तो मैं कैसे बच सकता हूँ, है यह ना थ्यूरी। मैं इसको बच्चे को ये समझाता हूँ कि यार अगर आपको पता है आप एक जगह से जाओगे आपके पाँव में कीचड़ लगेगा, पाँव गंदे होंगे, तो मैं उठा के मुंह पे भी लगा दू, जितना बच सकते हो बचो जी। चलो मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई, आपके 15 मिनट भी जाया किए, मैं समझता हूँ मैं जाया किए ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप में से शायद 150 लोगों में से एक बच्चा ऐसा होगा जो शायद इसको अपने जहन में डालेगा और वो सीधे रास्ते पे चलेगा, और शायद वो आगे 10 लोगों को बताए, उसमें से एक बंदा चले, तो कयामत तक ये अगर नॉलेज पास ऑन होती रहेगी ना, तो मुझे कब्र में इसका बड़ा सुकून मिलता रहेगा। ठीक है जी, मेरा ये मानना है मैं बड़ा कचरा मुसलमान हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे बुनियादी चीजें उस पे कभी होनी, मतलब सीधी बात है, सूद खाना हराम है। अल्लाह के मतलब के नबी ने कहा है कि इसके सूद के 40 गुनाह के 40 दर्जे, और सबसे लोएस्ट दर्जा मैं क्लास में बोल नहीं सकता, ठीक है, इतना गंदा दर्जा। ठीक है, तो आप लोग एहतियात करें, जहाँ सूद वूद का मामला है, जो यू पे आप यू फोन पे आप एडवांस लेते हो, ठीक है जी, सामने से प्रेशर आ रहा था कॉल करो प्लीज, है उसको बोलो बाजी आज आप पैसे दे दें, ठीक है जी, मैं तुम्हारी सिस्टर कॉल करती है, मैं ये बोल रहा हूँ। चलो जी बड़े हम आगे, देखो यार मॉडर्न दौर में जो पढ़ाने वाला होता है ना उसको बात भी वैसी करनी चाहिए। चलो यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब सर पूरा फोकस हम पांचवी चीज पढ़ने जा रहे हैं, चार चीजें कौन सी, इंटरेस्ट इग्नोर, टैक्स इग्नोर, ओवरऑलिंग फ्यूचर, ओवरऑलिंग इग्नोर, फ्यूचर ऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोर इग्नोर, पांचवा पांचवा ये बहुत मुश्किल चीज भी आसान चीज भी है, अगर समझ आ जाए एक गो में तो बहुत आसान है, नहीं तो लोगों को खटकती बहुत है। सर पास्ट रिसीवेबल्स, बोर्ड पे देखो, पास्ट रिसीवेबल्स बोर्ड पे देखना, लिखेगा नहीं कोई भी नहीं लिखेगा। सर मैंने एक एसेट खरीदा 2001 में, इस्तेमाल कर लिया 2001, आगे की इसकी लाइफ है 4 साल, 1 साल इस्तेमाल हो चुका है, आगे की लाइफ कितनी है 4 साल, ये इस्तेमाल हो चुका है, क्या इसको मैं पास्ट कह दूं और क्या इन सबको मैं फ्यूचर कह दूं, हैं जी, थ्रू आउट, ऐसा बताओ मैं इस वक्त कहां मौजूद हूं। सर मुझे मोहम्मद हंजला बिल्कुल आ रहे बेटा, तुमने पूछा क्या वैसे, सर ओवरऑलिंग में मुझे मिलने वाले इनफ्लो समझा दें। सर मैं एक ठेले को जो है ना वो इंशाल्लाह ताला एक चिप लगा के रॉकेट बना दूंगा, तो मैं आज इस पे अमरूद बेचता हूँ 200 रुपए मिलते हैं, कल इंशाल्लाह इसमें मैं लोगों को जो है वो जर्मनी भेजा करूंगा, तो सर मुझे कोई 2 करोड़ मिलेंगे, तो मुझे बताओ ये 2 करोड़ क्या एडिशनल इनफ्लोज है ना, ये हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। औरत मार्च पे आपका क्या ख्याल है, आपको दुख होगा मेरे ख्याल आप सुन के, ठीक है जी, इग्नोर करो। अच्छा जी चलो अब बताएं सर ये पास्ट है ये फ्यूचर है, ठीक है जी, अब मुझे बताएं 2001 पास्ट है हमारा, 2002 3 4 5 ये हमारा फ्यूचर है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 2001 के एंड पे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अगर 2001 मेरा पास्ट है तो मैं सीधी बात है यहाँ मौजूद हूँ ना। अब बताओ मैंने वैल्यू न्यूज निकालना है, इस एसेट का क्या निकालना है बताओ, कैश फ्लो 4 सालों के लूं या 5 सालों के, 4 सालों के क्यों, 4 सालों के क्यों, मुझे बताओ वैल्यू न्यूज किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो फ्यूचर क्या है हमारा ये वाले 4 साल, 1 साल तो गुजर चुका है ना, वो फ्यूचर थोड़ी है, ऐसे उसके तो पैसे मिल चुके हैं, उसको वैल्यू न्यूज में क्यों डालें हम। तो मुझे एक चीज ये बताओ और तो सुनना, मैंने 2001 में इस मशीन से की थी सेल्स 200 रुपए की, इसमें से 180 रिसीव हो गया और 20 रुपए रिसीव नहीं हुआ, यह है रिसीव्ड, यह है रिसीवेबल, ऐसा ये रिसीव कब होगा, अगले साल में जाके रिसीव होगा, मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, ये जो 20 रुपए अगले साल रिसीव होगा क्या ये एसेट की पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न है या फ्यूचर परफॉर्मेंस की वजह से मिल रहा है,
अगर मैं 2001 के एंड पे एसेट को बेच देता तब भी ये 20 रुपए मुझे मिलते, अगर मैं चला रहा हूं तो तब भी 20 रुपए मिल रहे हैं। क्या ये 20 रुपए एसेट को फ्यूचर में चलाने की वजह से मिल रहे हैं? नहीं सर। क्या इसके लिए एसेट ने काम कर लिया? यस सर, कर लिया है ना। क्या मुझे बताओ मैं फ्यूचर कैश फ्लोज में इसको इंक्लूड करूं? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये फ्यूचर कैश फ्लो टेक्निकली है ही नहीं, ये है पास से रिलेटेड कैश फ्लो। मिल फ्यूचर में जाके रहा है क्योंकि हमारी सुस्ती है या हमारी पॉलिसी है, हमने सामने वाले बंदे से पैसे रिसीव नहीं किए। तो अगर मैं एसेट की वैल्यू यूज निकाल रहा हूं तो सर क्या मैं ऐसे रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे मिलना जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रिकॉग्नाइज है, पास में बुक हुआ हुआ है, क्या मुझे सर उसको इंक्लूड करना चाहिए वैल्यू यूज में? ताहा जल्दी से बताओ मेरा बच्चा, इसको क्यों इंक्लूड नहीं करना चाहिए? मैं बताओ वैल्यू न्यूज है क्या? नहीं। वैल्यू न्यूज है क्या? फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या ये फ्यूचर का कैश फ्लो है? नहीं सर, ये किसका कैश फ्लो है? पास्ट का कैश फ्लो है। दिस कैश फ्लो रिलेट्स टू पास्ट, ठीक है जी। तो सर वी शुड नॉट इंक्लूड दिस इन वैल्यू न्यूज, ऐसा? अब सुनो, इसका मतलब पांचवी चीज क्या आ गई? अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई 2002 के कैश फ्लो में एक ऐसा रिसीवेबल, एक ऐसा कैश फ्लो शामिल है जो पास से रिलेट करता है, हम उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, लिखेगा नहीं कोई भी, लिखेगा नहीं कोई भी, लिखेगा नहीं कोई। मैं सर यही रेप्लिकेट कर रहा हूं, यही रेप्लिकेट कर रहा हूं यहां पर दोबारा, यही रेप्लिकेट कर रहा हूं यहां दोबारा। और गौर से सुनना दोस्त, गौर से सुनना, इसको नाम दे रहा हूं पास्ट। वेरी गुड सर, टेबल जैसा। अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं भैया 2001 में एसेट हमने चलाया और हमारा कुछ खर्चा हुआ, खर्चा था 150 रुपए का, 150 के दो हिस्से सर 110 रुपए हमने पे कर दिए, थैंक यू बेटा, और 40 रुपए क्या हमारा पेबल है। ये जो 40 रुपए का पेबल है ये पे करना है यहां आके, तो बताओ जब मैं वैल्यू न्यूज निकालूंगा तो क्या इस 40 रुपए को मैं एज अ पेमेंट दिखाऊं? नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये पास से रिलेटेड खर्चा है, लास्ट ईयर हमने मशीन चलाई, कुछ खर्चा हुआ, पे नहीं किया, तो उसको हमने कैलकुलेशन में क्या करना है? इग्नोर करना है। तो बताओ हमने कैलकुलेशन में किन 6 चीजों को इग्नोर करना है? इंटरेस्ट रिसीवेबल, फिर सर इंटरेस्ट सॉरी टैक्स और ओवरऑलिंग उसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज और पास रिसीवेबल्स और पास पेबल्स, ऐसा खत्म। सातवीं चीज बहुत आसान है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों इग्नोर करनी है? ना 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 सर, देखो हमने निकालने कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू, क्या डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो है? नहीं सर। क्या है सर? नॉन कैश है, तो हमें उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। सर अब मुझे एक चीज ये बताएं, जो मैंने सात चीजें पढ़ी हैं, इसका मतलब है मुझे वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में आई नीड टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी पेनी जो उसने दिया हुआ है सवाल, बट मुझे क्या इग्नोर करना है? ये सात एस्पेक्ट्स इग्नोर करने, ऐसा? ये सात एस्पेक्ट्स इग्नोर करने, क्या ये जहन में रहेगा? सर प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दे, डाउट मेरे ये है कि प्रेजेंट सेल जो रिसीव हो गई है उसे भी इग्नोर करेंगे। मैं उर्दू जुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। देखो मुझे एक बात बताओ, 2001 मेरा पास्ट है, 2001 में सेल्स हुई, हुई सेल्स, पैसे नहीं मिले, पैसे कब मिलने? 2002 में जाके। क्या 2002 में मशीन चलेगी तो ये पैसे मिलेंगे? नहीं सर, मशीन आप ना भी चलाओ तो ये पैसे मिलने, तो ऐसा ऐसा अमाउंट है जो मशीन के चलने पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सर क्या मैं इसको वैल्यू न्यूज में कैलकुलेट करूं, डालूं? नहीं सर। क्यों? बिकॉज ये यूज करने की वजह से थोड़ी आ रहा है, पास इवेंट का। इसी तरह नीचे जो पेबल आ रहा है उसको भी क्या करना है? अब बताओ सर, अगर मैं आपको एक सवाल दूं, डेप्रिसिएशन क्यों इग्नोर करना है, एक दफा फिर बता दें, क्या डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो है? ये बताओ क्या डेप्रिसिएशन आदिल एक कैश फ्लो है मेरा बच्चा? क्या डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो है मेरा बच्चा? नहीं। तो हमने क्या करना है? कैश फ्लोज इंक्लूड करने हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको इंक्लूड नहीं करना। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, इसका भी रीजन बताऊंगा कि हमने क्यों डेप्रिसिएशन को इस ग्राउंड पे इग्नोर किया कि वो नॉन कैश था, क्योंकि कैश पर नहीं और हमने वैल्यू न्यूज को कैश पर रखा क्यों है, आगे जाके थोड़ा सा बता रहा हूं जी। कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर इग्नोर जी अहमद।
अच्छा देखो, एक बच्चे ने सवाल पूछा, व्हाट इफ द डिस्काउंट रेट हर साल का अलग हो। मैं आपको फिर बता दूं, देखो FAR 1 का पेपर हो या आगे जितने भी पेपर्स आप देखोगे, उसमें वो आपका ना QT चेक नहीं करेगा कि आपको ये आता है कि मतलब इंटरेस्ट रेट कौन सा, क्वार्टरली डिस्काउंटिंग और हाफ ईयरली डिस्काउंटिंग। अमजद ने इतने पैसे बैंक अकाउंट में डाले, 3 साल बाद वो गया तो पता चला बैंक अकाउंट में पैसे के साथ जो है वो उसको 2 बच्चे भी गिफ्ट हो गए, ठीक है जी। तो बताएं उससे बैंक अकाउंट में क्या डाला था, ठीक है ना, ये हमने नहीं देखना, ठीक है जी। ओवरऑलिंग के बाद कौन सा पॉइंट था, ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज भी क्या करने, इग्नोर करने, क्यूटी नहीं पूछेगा आपसे, जो अकाउंटिंग की टेक्निकल चीजें जी। बच्चे उसने कहा होगा यार कोई यतीम बच्चे ले जा भाई, तू कर दे बड़े हम आगे दोस्त बढ़ जाए। सर ये 6 चीजें इग्नोर करनी है स्टडी टेक्स्ट में तो इंक्लूड नहीं है, वेरी गुड। ये रात को सर हमारी फुप्पो ने बनाया और सुबह आके मैंने पढ़ा दिया है, ये रात को 7 चीजें फुप्पो ने कहा आपने सुबह जाके पढ़ानी। भाई जो चीज पढ़ा रहा हूँ किताब से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, किताब में दिखा भी दूँ, टेंशन नहीं, पहली अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, कॉपी करो। क्या भाई जी स्विमिंग पूल वाली एग्जांपल दोबारा बता दो। अच्छा चलो, नहीं कोई मसला नहीं, शादी की उम्र में करनी चाहिए यार, अभी अभी पर्सनल बातें छोड़ो जी। मुझे एक बात बताएं सर, क्या 6 चीजें 7 चीजें डेप्रिसिएशन साथ, इसको कॉपी कर लो यार ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें सर, भाई स्विमिंग पूल इसलिए कैपिटलाइज होना चाहिए कि हमारे जो पहले अपार्टमेंट रेंट पे जाते थे, अब ज्यादा अपार्टमेंट इंशाल्लाह रेंट पे जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये नजर आएगा कि यहाँ स्विमिंग पूल भी है, ठीक है जी। हमने एक एक अपार्टमेंट खरीदा, उसी विसिनिटी में बराबर में दूसरा भी मिल रहा था, हमने 10 लाख रुपए ऊपर पे किए कि यार इसमें जिम है, जिम है, आज तक हम नहीं गए, पैसे दे दिए हमने। एक हम अपार्टमेंट खरीदे थे बराबर वाली बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में 10 लाख का फर्क था घर में, सेम मतलब जगह, सेम कवर्ड एरिया, सारी चीजें सेम, हमने 10 लाख एक्स्ट्रा दे दिए, क्यों, यहाँ जिम है, कद्दू, एक दिन हम जिम नहीं गए, ठीक है ना। और पता चला इस मस्जिद, उसमें बिल्डिंग में नीचे ही जो है वो मस्जिद है, जमात होती है, एक दिन नहीं गए, नहीं हमने कहा फायदे वाली चीज है। डेप्रिसिएशन की एग्जाम्पल BTW दे और रीजन भी बताओ दे, ओके। अच्छा जी भाई डेप्रिसिएशन क्या है, कैश एक्सपेंस है क्या, डेप्रिसिएशन आपको कैश में पे करना पड़ता है, तो सर नॉन कैश किसी चीज को भी हम वैल्यू न्यूज के कैलकुलेशन में, वैल्यू न्यूज क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है जी। बड़े हम आगे बड़े दोस्त, एसेट अच्छा हो गया, सही, कोई मसला नहीं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर, हाँ रिवर्स, हाँ इनकम ना। चलो जी बेटा हम सवाल देख लें, काम ने थ्योरी बहुत सारी पढ़ ली है यार, सवाल पे जाएं, मगर आप लोग इजाजत दो तो 8 बजे जिम की फैसिलिटी दे। हाँ जी बढ़े हम आगे जी, बड़ा बच्चा नमाज कौन सी, अभी मेरी क्लास है कितने बजे तक, 3 बजे तक है ना, तो अभी बस एक सवाल करके फिर हम नमाज पे जाते, ठीक है चलो 3 बजे पढ़ लेना, जैसे आपकी मर्जी है, जो आप बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। नीचे कर दूं, ये लो बेटा डिस्पोजल का भी रिपीट कर देता हूं बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो मेरे बच्चों, अगर ये कॉपी कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले बच्चों और सवाल पूछ लो तुम लोग, फिजिकल वाले बच्चे सुकून में होते हैं। चलो जी बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं मेरे बच्चों, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं।
बड़े बेटा हम। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़े, यही तो फायदा है ऑनलाइन का। अच्छा बढ़ जाएं, दूं आपको एक सवाल, तैयार हो? सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर देखिए, अब मैंने आपको सिर्फ सवाल पे सवाल कराने, हर सवाल में कुछ एक चीज आ रही होगी, कभी दूसरी चीज आ रही होगी, कभी तीसरी चीज आ रही होगी, चौथी चीज भी आएगी। यार बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। एक सवाल है भाई, मैं सवाल को रीड कर रहा हूं, थोड़ा और बड़ा कर दे। सही जी, ऐसे ही है मेरे भाई। फ्यूचर में मिले उसे इंक्लूड करें, जो फ्यूचर का रिसीवेबल है वो तो इग्नोर नहीं करना है ना, फ्यूचर की सेल से जो रिलेटेड रिसीवेबल है वो तो आपने ले लेना भाई। मुझे एक बात बताया, कह रहा है डोमिनेंट फर्टिलाइजर हैज टू प्लांट्स। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल चुप। अच्छा चल तुम लोग वहां देख लो, सही। मैंने कहा मैं उसको बोलूं इधर देख भाई, वही देखो वही देखो। Dominant fertilizers has two plants. The following information is available for the purpose of impairment testing. Remaining life of both plants is expected to be 3 years. ठीक है, हमने कहा thank you. फिर fair values and written down values. Written down values का मतलब, very good sir, carrying amount. ठीक है जी. Of the plant at 31st December 2012 are as under. Plant one की written down value है 220. अगर आज के आज मार्केट में जाके बेचूं 210 का बिकेगा, 7 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है जी, 160 सर 150 का बिकेगा, 4 का खर्चा होगा। क्या इससे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल सकता हूं? कितने जी, 200, 3 और 140, वेरी गुड मेरा बच्चा। फिर सर वो कह रहे जो प्लांट वन है, जो प्लांट वन है सर, आइंदा आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड कैश लोज, अंग्रेजी देख लो, कैश लोज, ठीक है जी, फ्रॉम ईच प्लांट इन द नेक्स्ट 3 years आर एज अंडर। जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो। सर मेरे पास जो दो प्लांट्स हैं, 3 साल तक एनुअल इनफ्लो इसका 105 होगा, एनुअल आउटफ्लो 11 होगा, कितने सालों तक? 3 सालों तक, हर साल कितना कितना मिलेगा? 105, 105, 105, आउटफ्लो कितने का होगा? 11, 11, 11, और फिर एंड में क्या होगा? हम इस एसेट को बेचेंगे 8 रुपए में, 2 रुपए का खर्चा करने के बाद, यानी 6 रुपए नेट मिलेंगे। इसी तरह दूसरा प्लांट भी हर साल 55 रुपए देगा 5 का खर्चा करने के बाद, और सर अगर आप उसको एंड में जाके बेचोगे तो कितने का बिक जाएगा? 2 रुपए का। वो कह रहे भैया हमारे पास डिस्काउंट रेट 10% है। मुझे बताओ इसमें कौन से 7 एक्सेप्शन आए? एक भी नहीं आए, ना इधर इंटरेस्ट है, ना इधर टैक्स है, ना इधर ओवरऑलिंग है, ना ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज हैं, ना रिसीवेबल्स है पुराने, ना पेबल्स है पुराने, ना एक सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है ऐसा। ये आई कैप का क्वेश्चन है 11 मार्क्स का जी, ये आई कैप का क्वेश्चन है 11 मार्क्स का, ठीक है। आप मनुष फॉन्ट पे देख लो, आपको फॉन्ट ऐसा मनुष नजर आए ना, तो ये किसका पेपर होगा? आई कैप का पेपर होगा। ये करो फिर मैं आपको आपका लेटेस्ट है। हाँ सर, ये जब हमारा कोर्स चेंज हुआ है ना, तो ये उससे पहले FAR 2 में था ये स्टैंडर्ड। ये सवाल FAR 1 का नहीं है, FAR 2 का, ठीक है ना। खुबाब बिल्कुल, खुबाब बिल्कुल, इनकम टैक्स 2016 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन, नहीं 2013 या 14 की अटेम्प्ट। शाबाश 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 मेरे बच्चों। अल्लाह की कसम ये पेपर में आएगा ना तो वहां गलतियां करोगे,
मैं आपको बता रहा हूं, सीधा सवाल अगले आइटम में बैठ गया। अगले आइटम वाले बोलते इसमें था क्या, कितने मनुष्य थे। आपके आइटम के बाद भी लोग यही कहेंगे। सवाल इससे थोड़ा सा एक नॉच ऊपर आता है, लेकिन लोगों से नहीं होता। किधर गए थे तुम, किधर गए थे छोटा मारने, कमी को क्लास के बाद चले जाते। शाबाश जी, शाबाश 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 शाबाश। यार अल्लाह के वास्ते यार मास्क पहना करो भाई, खांस भी रहे हो, मास्क भी नहीं है। तो तीसरी लहर भी आ गई अब तो है। हाँ कोरोना वोना कोई नहीं है, लोगों को अभी भी लगता है। उधर इमरान खान को हो गया, वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद असर थोड़ी आता है, लगता है एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है ना। हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने के बाद बैठ जाते हैं, सर बस इसका बुखार उतर जाए तो मैं ले जाता हूँ बच्चे को, घर ले जा भाई आराम से। चलो अच्छा खासा बना रहा, बीच में एक आध दिन कम हो गया था। वाह भाई, दूसरी 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 कॉल आई काशिफ की। हाँ छोटे भाई, किधर भाई किधर, मास पे जा रहे। हाँ जी भाई, ये सवाल सॉल्व करो फिर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है जी। मेरा बच्चा देखो भाई, प्रेजेंट वैल्यू 10% दी हुई है, और ये 10% के साथ ना नीचे
0.9, 0.82, 0.75 बन दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो बच्चा कैलकुलेटर नहीं भी लाया सेंडवे कैलकुलेटर, तो वो सिंपली क्या करे, एक साल के आगे की प्रेजेंट वैल्यू है 0.909, एक रुपए की वैल्यू है 0.909, तो जो अमाउंट है उसको 0.909 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। ये कभी कभी दे देते हैं, लेकिन हम तो कैलकुलेटर लेके जाते हैं तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं। जी पार्ट थ्री अभी पूरा करा रहा हूं ना, सवाल रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। जी चलो आओ, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, दोनों मशीन्स को हम रखते हैं सामने आमने आमने सामने, P1 और P2 कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज और फिर रिकवरेबल अमाउंट और इंपेयरमेंट। भाई ये टेबल आपने पेपर में बनाना होगा, ठीक है। मुझे बताओ, मैं सबसे पहले P1 लेके चल रहा हूं, P1 की कैरिंग अमाउंट कितनी है 220, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 203, बस मुझे सिर्फ इसमें वैल्यू इन यूज चाहिए। चलो वैल्यू इन यूज निकालते हैं भैया, 1, 2 और 3। मुझे बताओ सर, सबसे पहले मेरे पास इसमें इनफ्लोज कितने सर पर ईयर, 105, और आउटफ्लोज कितने 11, 105 मेरे बच्चों आउटफ्लोज 11 तीनों सालों में, ऐसे ही। फिर एंड पे आके एसेट को हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। वो एक बच्चा पूछ रहा था, रोशन देख लो बेटा, ये तुम्हारे पास डिस्पोजल एंड में आएगा, एसेट हम बेचेंगे। जब एसेट आप एंड पे बेचोगे तो कितने का बिकेगा, वो 8 रुपए का बिकेगा, 2 का खर्चा होगा, तो नेट कितना बचेगा हमें, 6 रुपए। भाई सुन रहे हो, बच्चा जिसने पूछा था देख रहे भाई लड़के, सर मेरे पास 6 रुपए का अमाउंट आ गया, ये कितना आ रहा है 94 और 100। अब बताओ इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको उससे फैक्टर भी दे, चाहे तो उससे मल्टीप्लाई कर दो या प्रेजेंट वैल्यू 10% से निकाल लो। जी डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 85, फिर गरक करो 0.4 को 78 कर दो ना 0.68 को। अब बताओ ये तीनों मिला जुला और हिला के कितने बन रहे, 238। अब सर मेरे पास दोनों में से ज्यादा बड़ी अमाउंट कौन सी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज में से, 238 तो सर ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट होगा और हम कंक्लूड कर रहे हैं कि इसमें कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे कैरिंग अमाउंट को आराम से वैल्यू न्यूज कवर कर रही है, डन है। अच्छा जी सर, अब बताओ सर व्हाट अबाउट P2, इसमें वही है, काम क्यों करें सर, मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास ईयर 1, 2 और 3 बताएं इनफ्लोस कितने, 55, 55 और एंड पे आगे हमें क्या मिलेगा, 2 रुपया, फिर कितना 50, 50 और अब बताओ भैया ये कितना है 45, 41, 39 और ये सब मिला जुला और 120 पक्का। अब बताओ सर यहां पर ये आ रहा है 126, फिर
ये कितना था 160, 160 फिर विल लेस कॉस्ट टू सेल 146, रिकवरेबल अमाउंट 146, ऐसा। अच्छा एक मिनट, ये क्यों नहीं किया कि हमने दोनों मशीनों की अमाउंट को क्लब करके देख ले? नहीं सर, हर एसेट की इंपेयरमेंट क्या करनी है, अलग अलग करनी है, ऐसा। मुझे होता कितने लोगों ने सवाल खुद से सही कर लिया था। रिकवरेबल अमाउंट 23 क्यों होगी बेटा? दोनों में से जो हायर है वो होगी ना, नेट थोड़ी करना है दोनों को, इन दोनों में से हायर कौन सी है? चलो जी, हाँ कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो इसमें कोई बेटा बड़ी बात नहीं है, इस सवाल में कोई एक रुपए की एक्सेप्शन नहीं थी, सीधा सवाल था, ठीक है जी। हाँ अब एक काम करो, नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ जी, 10 मिनट का ब्रेक है, हैं? हमारी क्लास है कितने बजे तक यार? तो नमाज 3 बजे हो जाती है क्या? चलो जाओ पढ़ लो, चलो 10। भाई सुनो, मैं अगले जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे ना, मैं क्लास में आके सवाल शुरू करा दूंगा, ठीक है ना? 4 रकात फर्ज है, ठीक है, 1.2 के हिसाब से तुम्हारा 4.8 मिनट लगेगा फर्ज पढ़ने में, 2 मिनट। हाँ चलो जाओ, वजू कर लेना, शाबाश, 10 मिनट ले लो, शाबाश। स्टैंडर्ड में वही 7 चीजें हैं बस, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं असन, ताकि सब एक साथ देखें। ठीक है, ब्रेक है बेटा 10 मिनट का।
आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? फिर वे लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज का एस्टिमेशन इक्वल आए तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? नहीं, ये देखो एक भी चीज दिमाग में रखना, हमने यहाँ ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें बेचना चाहिए चलाना चाहिए, ये डिसीजन नहीं देना है हमने। हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी है? इम्पेयरमेंट। हमने कंपनी को ये नहीं कहना कि यार तुम्हें काम करो, अगर ये सोच रहे हो कि तुम इसको चलाओगे तो हम तुम्हें मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं है। आप उसको बोले भाई ये इम्पेयरमेंट है, कहानी खत्म, आप जानो आपका काम जानो। ठीक है जी, जी जनाब। अच्छा जी, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए आवाज सर, सिग्नल 100% आ रहे हैं। चलो जी सर, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम। सर सवाल देखिएगा प्लीज सर, बोर्ड पे, बोर्ड पे मेरे बच्चों। भाई मैं रैंडम सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि, क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली, अब हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो जी सर, मुझे एक चीज ये बताएं, इस सवाल में 3 साल हैं, इनफ्लोज दिए हुए, आउटफ्लोज दिए हुए। ठीक है जी, और से देखना, इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिए हुए, इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिए हुए। आवाज क्यों मसला हो रहा है भाई आवाज में यार तुम लोगों के पास? भाई मेरे यहाँ पर देखो 100% सिग्नल जा रहे हैं आवाज के, भाई आ रहे हैं कोने में, देखो सिग्नल जा रहे हैं 100%। क्लियर है वॉइस? यार सिर्फ एक हमास तुम्हारा इशू आ रहा है और अमजद तुम्हारा इशू आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन हैंड आउट के किताब के में, ठीक है? देखो भाई पास पेपर के अंदर सवाल आए हैं टोटल 2, एक मैंने आपको करा दिया, एक अभी और करा दूंगा, पास पेपर हो जाएंगे पूरे। आपने किताब सॉल्व करनी है अपनी पूरी, दिमाग में रखना, और जो हैंड आउट मैंने आपको दिया है डे वन पे ना, ये प्रैक्टिस हैंड आउट है। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, पास पेपर करा दूंगा, फिर प्रैक्टिस का ये होगा कि उसमें से जो बड़े बड़े सवाल आते हैं वो मैं करा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस के सारे सवालात विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको क्लास में सॉल्व करो तो फिर आपको मेरा असिस्टेंट सॉल्व करवाएगा, क्लास क्लास में आएगा, आपको सारे के सारे सवाल इस क्लास में सॉल्व करवाएगा, एक एक सवाल। ठीक है जी, मैं आपको सारे पास पेपर्स करा के जाऊंगा, आपको सारी जो आपकी किताब की चीजें वो करा के जाऊंगा। ठीक है जी, बाकी सर लास्ट टाइम सर असिस्टेंट ने कोई 150 घंटे लिए, और वो असिस्टेंट की क्लास में मैंने आपको बताया ना कि 240-250 अगर बच्चा बैठा होता है क्लास में, इस वक्त इनरोल स्टूडेंट है को 344 FAR 1। ठीक है ना, मेजॉरिटी रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखता है, कोई लाइव आता है, कोई ऑनलाइन आता है, कोई किसी तरीके से देख रहा है, लेकिन प्रैक्टिस की क्लास में बच्चे बैठे होते हैं 50, 60, 55, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? लोगों को ये लगता है कि वो खुद कर लेंगे। तो जब यार हमें एक एक इंस्टीट्यूट लेवल पे फैसिलिटी दी हुई है, दे रहा हूं मैं, कि भाई जो आपके इवन प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आपने घर पे करने, घर पे करो उसको, सॉल्व हो जाए नहीं लो क्लास, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, मत लेना क्लास अगर सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है सॉल्व, सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है वहां से देखिए, नहीं हो रहा सॉल्व क्लास में आके बैठ जाओ, नहीं ली क्लास उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास मौजूद होगा, वो भी नहीं देखा जहर वाली गोली खाओ मर जाओ, इसके आगे और क्या करें? व्हाट्सएप की ग्रुप फुल हुआ हुआ है, मैं कैसे घुसूं? अच्छा सब कर लेते, ये मामला ऐसा है कि करा लेते दो, रुक जाओ। अच्छा चलो, मैं ये हैंडआउट उस दिन भी दे चुका था, बिल्कुल 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 उसी से करा रहा हूँ बेटा। ठीक है जी, चलो जी व्हाट्सएप ग्रुप का चैट ऑन करवा दें। अच्छा उस पर वो एडमिन ओनली डाला हुआ है, चलो ये करा देते हैं ताकि हके क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। सर ये सेंड आउट का सोल्यूशन, ये बेटा मैं क्लास में जो पकौड़े बनवा रहा हूँ ये सोल्यूशन ही तो है और क्या है? आधे क्वेश्चन ना लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के होते हैं, सर वो ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर मैं रोज लॉग इन होता हूँ
फिर मुझे नींद आ जाती है, सर आवाज नहीं आ रही है, सर ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। देखो यार सुन, ये 3 साल के कैश लोज हैं, इतने आसान सवाल करा के मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी शर्मिंदा हो। देख यहां देख, ये 3 साल के कैश लोज हैं। अंग्रेजी जुबान में वो कह रहा है कि कैश इनफ्लोज ऑफ ईयर वन, इसकी बात कर रहा है, इंक्लूड 70,000 फॉर विच कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड द रिसीवेबल, पुराना रिसीवेबल है। तो बताओ क्या करूं, 70,000 इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड कर दूं? नहीं सर, आप क्या करें, इसमें से माइनस कर दें सर। फिर दूसरा सर, ईयर वन के आउटफ्लोज में 30,000 रुपए ऐसा है जो पेबल है, लानती हो ये पेबल है, इसके अंदर ये शामिल है, हटा दो 70,000 इसमें से, हटा देना 35,000 इसमें से, हटा देना 35 से 30 है, 30,000 इसमें से हटा देना। हटा देने का मतलब है माइनस। देखो उर्दू जुबान में क्लियर कट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो कैश आउटफ्लोज ऑफ ईयर वन इंक्लूड, इस 235 में ये 30 शामिल है, 235 ऐसे रखना, उसमें से 30 ऐसे निकाल देना, क्या रह जाएगा 25, वो रखना। ठीक है जी, शाबाश सर। अब मैंने आपको बाकी सारा बता दिया, आप मुझे नंबर कागज पे लिख के देने, आप दे देना। चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। पेबल तो पिछले इयर्स का है, इस साल करना होगा तो ऐड नहीं करेंगे, हटाना है ना भाई, पेबल पिछले साल का है, इस साल पेमेंट में शामिल, हटा दो जी, हो गया। जी हो गया, 2 मिनट। ये चूंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन, रिवर्स इंटीग्रेशन, ठीक है जी, आंसर इसका मुझे नहीं पता बेटा, होगा कोई, क्या रहा भाई आंसर, 854431। चलो जी सर, मुझे एक बात बताएं, ईयर वन का, ईयर टू का और ईयर थ्री का जो इनफ्लोज हैं उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ईयर वन में, 70,000 इसमें से हटा दो तो 5,30,000 बचते हैं, बाकियों में कोई उंगली करने की जरूरत, फिर इस 235 में ये 30 शामिल है, हटा दें तो क्या है आउटफ्लोस, कितना 2,05,000, फिर 300, 2,596,000, ढाई और 196,000 बस। अच्छा जी सर, मेरे नेट इनफ्लोस 325, 4,00,000 और 304 सर, प्रेजेंट वैल्यू सर, डिवाइडेड बाय 1.1, डिवाइडेड बाय 1.1 इज द पावर 2, कितना
295, फिर डबल 305, 32, 2284, 99। जी मेरा बच्चा कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पक्का लड़कियों को सब समझ आ रहा है, अभी तक एक ने भी सवाल नहीं पूछा। चलो 854, 43। ये लो बेटा, 2 करोड़ का फर्क पड़ गया इससे। जी जनाब। हमास मेरा नेट इश्यू कर रहा है, सबको समझ आ रहा है, सबके पास चल रहा है सही। मेरा नेट इश्यू कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे पास। हाँ जी चलो जी, मुझे बताइए सवाल है कोई। अभी आपको बिल्डअप करके लेके जा रहा हूं ना वहां तक। बढ़े आगे। अब आओ जरा एक अच्छा, थोड़ा सा भारी सवाल, हल्का सा, नन्ना मुन्ना सा। अब देखो मैं सवाल में एक चेंज करूंगा, इसके बाद भी 35 84 मुझसे पूछते रहेंगे ये यहाँ क्यों लिखा है। ये लिखना, किसी ने लिखना है तो लिख लो, मैं रुक जाता हूँ। बेटा मैं पीडीएफ सुबह ही सेंड किए सबको, ग्रुप पे सेंड किए मैंने, अभी तक की जितनी क्लासेस है सबकी एक ही पीडीएफ बन। अच्छा आइंदा के बाद ना मैं एक ही पीडीएफ बना के दिया करूंगा आज तक की जितनी क्लासेस है, ठीक है। हाँ इस तरह एक ही पीडीएफ दिया करेंगे, ताकि आपको पीडीएफ जगह जगह से ना क्लब नहीं करना पड़े। हर क्लास हम उस पीडीएफ में क्या किया करेंगे, ऐड कर दिया करेंगे, ठीक है जी। उस पर डेट चेंज कर दिया करूंगा, सेट है। अच्छा जी सर, अगली क्लास के बाद ना आपका क्विज होगा। जी है क्या मतलब, गुर्दा मांग लिया क्या तुमसे भाई? इम्पेयरमेंट अभी तक पड़ा है तो उसी का होगा। यहां देख कैश लॉस तो अभी शुरू हुआ है। अच्छा देखो एक चीज दिमाग में रखना, कैश लॉस लास्ट टाइम नहीं आया, ये दिमाग में रखना। कैश लॉस लास्ट टाइम नहीं आया, इस हर ऑल्टरनेटिव आइटम में कैश लॉ आता है। और कैश लॉ ऐसा ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर मिल जाते हैं, आप रीजनेबल कैलकुलेशंस कर लें। 18-20 नंबर का सवाल होता है, नंबर निकल आते हैं उसके, ठीक है जी, नंबर निकल आते हैं, तो उस पर जरा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 10, क्विजेस गूगल क्लासरूम के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कौन सा क्विज, हमारे अपने अपने पोर्टल पे हम तुमसे अटेम्प्ट करवाएंगे। सुनो बेटा बोर्ड, चंदा बोर्ड, तो मुझे लगता ग्रुप में सारे लोग हो ना, अब है ना। अच्छा दूसरी चीज ये भाई, ये आज आखिरी डेमो वेमो था, जो भी डेमो वेमो था बस ले लिया ना आप डेमो, अब और क्या देखना चाह रहे हो? तो कथक डांस भी दिखाऊं उसमें दूंगा, तो अपने जो ड्यूज है वो क्लियर करें, ताकि आपके एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप बने और हम पोर्टल दे दे सबको, ठीक है। उस पर क्विज हो पाएगा। सर मेरे पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज की डिटेल आ रही है, ये इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है? नीचे ना एक गलती है सवाल में, वो कह रहे इनफ्लोज इंक्लूड, इनफ्लोज इंक्लूड इंक्लूड रिसीवेबल इन ईयर वन, डन। ये लाइन यहाँ गलत आ गई, ये लाइन जाना चाहिए कहां पर? आउटफ्लोज में जानी चाहिए, क्योंकि पेबल कहाँ आएगा, आएगा आउटफ्लोज में आ रहा है। फिर सुनो सुनो, एक चीज आ रही है इनफ्लोज के अंदर, वो कह रहे भैया इनफ्लोज में रिसीवेबल शामिल ईयर वन में, अभी हमने क्या सीखा, इसको क्या करना है, कटाना है इसको। फिर वो कह रहा है भैया आउटफ्लोज में शामिल है क्या चीज, पेबल, वो वहां से हटा देना। फिर वो कहता है भैया 2 लाख रुपए का ओवरहॉलिंग कॉस्ट शामिल है ईयर टू के अंदर, ये जो ईयर टू में 3,33,000 आ रही है ना, इसमें 2 लाख रुपए का ओवरहॉलिंग का एक्सपेंस शामिल है। हमने क्या सीखा, ओवरहॉलिंग क्या करना है? अच्छा फिर वो कह रहा है ओवरहॉलिंग के नतीजे में 6 और 6,40 के इनफ्लोज आ रहे हैं, ये इनफ्लोज में आ रहा है, ठीक है जी। ये भी आपने क्या करना, इग्नोर करना है। फिर वो कह रहा है भैया आउटफ्लोज में सूद भी शामिल है, ये भी कटाना है। फिर वो कह रहा है कि आउटफ्लोज में क्या शामिल है, टैक्स भी शामिल है, इसको भी क्या करना है? यार आपको मैं लिटरली बताऊं, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक सेट देगा वो, उसमें से आपने एक रेलिवेंट कैश फ्लो क्या करना है, हटा देना। हटा दोगे, हटा के दिखाओ।
देखो पहले काम करो, तस्वीर खींच लो इसकी, मैं जूम आउट कर दूं, पहले इसकी तस्वीर खींच लो या पूरे की तस्वीर खींच लो। हाँ बेटा पूरे की तस्वीर खींचो, शाबाश मेरा बच्चा, खींच लिया। ये हैंड आउट चाहिए सर मुझे, नहीं दूंगा, दे रहा हूँ भाई सबको, दे चुका एक और दफा दे दूंगा। कर लिया तस्वीर खींच ली, चलो जी अब एक काम करो, यहां से करना शुरू कर दो बल्कि अब सही है, सेट है ना, सारे ही आ गया ना सवाल। हाँ ऐसा ही है। चलो जी माशाल्लाह यार हमारे लड़कों ने जबरदस्त परफॉर्म किया उस दिन मैच में और क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। ये मैचेस बेटा सिडनी में हो रहे हैं, भी और कहाँ हो रहा है, नहीं नहीं क्रिकेट में, फुटबॉल हमारी टीम गई नहीं थी शायद, नहीं मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि हमारा कोई फुटबॉल में गया था, और अगर आ रहे हैं तो आ रहे हैं यार, क्या टेंशन। यार एक भाई एक क्लास में एक रिक्वायरमेंट आई है, कोई अच्छा फास्ट बॉलर है जो अभी तक टीम में नहीं खेला, कोई है बॉलर है, तुम कर दो, कभी कभी वाला नहीं चाहिए ना, नहीं एक बंद खेल दो तुम, बस तुम क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट करना ठीक है। एक बॉलर हमें शॉर्ट पड़ रहा है, एक बॉलर जो है वो हर मैच में 27-28 खा रहा है, ठीक है जी उसको जरा हमने भी आराम देना है। तौकीर पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है बाजवा उसका जो मंड मंड के छक्के खा रहा है। क्या कह रहा हूँ बाजवा अच्छा बॉलर है, अभी बाजवा ने दो मैच जिताने में मेन रोल प्ले किया, तौकीर नाम है उस बॉलर का। भाई एक बच्चा कह रहा है कि सन्नाटा फास्ट बॉलर है, तो हराम गोर खुद कह रहा है मोहम्मद अंजला, अच्छा जी सन्नाटा के हर काम बहुत फास्ट हो जाते हैं ना चाहते भी। चलो जी शाबाश 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 मेरे बच्चों, रेट क्या 10% है मेरा बच्चा अनस, 10% रेट है, 13% है नीचे, अच्छा 13% है भाई सॉरी, कर लिया, नहीं इसके अलावा कोई डिटेल नहीं, सवाल किधर है, अभी तक मैं पास पेपर दूंगा ना, कर तो सही ना भाई, आसान काम बहुत सारे होते हैं जिंदगी में करने पड़ते ना, ये छोड़ देगा तू कि इसमें क्या करना है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं काम देना होगा। जैफा, जैफा, यहाँ क्यों आ गए? खबे बैठ के बोल रहे हैं। काश तुम आने आज। ओके। फिर बाकी देखिए नहीं आज तुम निकाल लो। मैं अभी हम फिर ये करते हैं कि थोड़ा सा बैठ के उसको मतलब कर देते हैं। मैं कर देता हूँ। इसको आज कैसे करेंगे ना? ताकि मामला तो निकल गया। इग्नोर ही वैल्यूशन। अच्छा ये रिकंसिलेशन भी बनाने बहुत
हाँ एक काम ये कर मेरे बच्चा, कि जो एनवायरमेंट का क्वेश्चन आखिरी दफा आया ना, उसमें 3 सालों का डाटा है, पता नहीं ऐसा 2 में या 1 में है, 8 नंबर का एनवायरमेंट का सवाल है। वो मुझे बता कहाँ है वो। हाँ बट जैसे उसने वो रोलिंग भी दी हुई है, डेप्रिसिएशन भी दिया और इग्नोर कर रहे एंड की तरफ होता है। सितंबर 2019 अभी चेक करो ना, अगर वो उसकी कटिंग मुझे भेज देगा जो है ना एग्जैक्ट पास पे करवा दी, ठीक है। नहीं नहीं उसको मुझे भेज दे, ईमेल पे दे दे ताकि क्लास में करा दे। ये मेरे बच्चों डन हो गया। वैल्यू न्यूज एक बच्चे ने निकाली है 1081571 पक्का अल्लाह करो शाबाश। तेरा बच्चा यह शायद 13% है, एक नीचे करके देख ले। 13% 13% वैल्यू न्यूज नेगेटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अजीब अजीब आ रही है यहाँ तो। अच्छा ये चलो एक बच्चे का नेगेटिव आ गया भाई। जी मेरा बच्चा यार 1 मिनट कर लिया हो गया, क्या आ रहा 11 लाख। चलो माशाल्लाह ये छठा जवाब आया है। कुछ लोगों की नेगेटिव आ रही है, किसी का 4,55,000 आ रहा है। देखो अभी तक मुझे एक भी मतलब एक जवाब भी ऐसा नहीं मिला जो दो लोगों ने दिया, हर बंदे का अलग आ रहा है। साथ बैठ के करोगे तो कम्यूनो सेम ही आएगा ना। चलो जी किसी का 4,459,000 आ रहा है, किसी का 455 आ रहा है, 453 आ रहा है, 814 आ रहा है, 837 आ रहा है। क्या कर रहे हो, कितना रहा बेटा तुम्हारा? 4,04,000 एक और एस्टिमेट आ गया, और 4,55,4,55 तीन चार लोगों का आ रहा है 4,55। हाँ भाई 4,55 500। उस्मान तुम्हारा क्या आ रहा है? अच्छा कर लो। अच्छा देखो इस तरह के सवाल में ना, जहां वो आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज दे और कहे कि इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज में मसले, तो पहले स्टेप में आप ये करें कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज को पहले साफ कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले। आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज को पहले क्या कर लें, सफाई कर लें इसकी, ठीक है जी।
कैसे सफाई करनी है वो देख लो। पहले मैं वैल्यू न्यूज नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ सफाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। हम कर रहे हैं बोर्ड पे, कितने साल है? बेटा बोर्ड पर ये सफाई हम किसकी कर रहे हैं? इनफ्लोज की। इनफ्लो है कितने? 4.5, 3.5। नहीं डायरेक्ट नहीं करो यार, गलती कर दोगे इसमें। 4.5, 3.5, 89 और रुक तो जान जान और 1078000। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बताओ इन इनफ्लोज में से आपको क्या क्या हटाना है? वेरी गुड, बहुत सारी दो, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो रिसीवेबल है सर पुराना, वो हटाना है। कितना जी? 30। बोर्ड पे बेटा देख लो, बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर इसके बाद सर हमने एक और इनफ्लो हटाना है, वो है 6 लाख और 6.40 का ईयर 3 और 4 में। इनफ्लोज ड्यू टू ओवरहॉलिंग कितने कितने और खाना वो ही ले आओ, नहीं मोरक्कन लेकर आना सर। ये कितना? 4.30। साढ़े तीन और 3.80 और 4.38। भाई इनफ्लो साफ हो गए, ठीक है जी, साफ सुथरा इनफ्लोज आ गए। चलो जी एक सफाई तो हमने ये कर ली, फिर अब आउटफ्लोज की सफाई। बताए आउटफ्लोज हैं कितने कितने? बेटा 2 मिनट चुप होके बैठ जाओ, कुछ बच्चे सवाल पूछना चाह रहे होते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं। किसी का सवाल है बेटा यहाँ तक तो मैं रुक के आपको जवाब दे दूँ, किसी एक का भी सवाल है तो पूछ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहा बेटा वो आउटफ्लोज में आ रहा होगा ना अनस। अब बताओ आउटफ्लोज में क्या क्या है? आउटफ्लोज में 1.80, 3.33, 3.43, 1.80 और अब बताओ इसमें क्या क्या गंद है जो हमने हटाना है? एक पेबल है, कितना? 10,000। बेटा बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पे अल्लाह के वास्ते अब बताओ ओवरऑलिंग कोई की है? खर्चा किया ओवरऑलिंग का किस साल में किया है? कितना हटा दो, फिर सूद की लानत से पाक करें उसको। पांच तीन चार 38, मेरे बच्चों बोर्ड पे अल्लाह के वास्ते बोर्ड पर, फिर टैक्स यानी चुंगी उर्दू में कहते हैं उसको, 1250। सीधे सीधे फिगर डाल देता हूँ भाई, 1250 3000 वेरी गुड। हाँ जी सेट है ना, सियां आ गया ओवरऑलिंग सेट है। अब बताएं साफ सुथरे आउटफ्लोज 1.63, 1.22 वेरी गुड जबरदस्त। तो यार इस तरह बता रहे जैसे 35, 5, 22, 0 वेरी गुड। ये नंबर देता है भाई इस तरह किसी को तू?
कितना, 4, 5, 3 4,20,000 950 बेटा, ये बगैरतियां खत्म करें। यहां देख ले दो, साफ सुथरा इनफ्लो साफ सुथरा आउटफ्लो, ठीक है जी। अब एक काम कर रहे हैं हम सर, ये आप अपनी कॉपी में नहीं कर सकते, मैं यहां कर सकता हूं। वैल्यू इन यूज, ये क्या है सर मेरे पास, इनफ्लोज ईयर 1, 2 मेरे बच्चों, आउटफ्लोस क्या क्या आ रहे हैं, ईयर 4, 438,000 है, बिल्कुल है यार, चार्ज को उठाना भूल गए थे हम, ये लो। फिर आउटफ्लोस नेगेटिव रखूंगा ना यार इनफ्लोस में जी। लास्ट क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट लेस भी नहीं करवाया था, टोटली इग्नोर किया था। एक मिनट मुझे बता, लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट था किधर, मुझे पहले ये निकाल, कहां है बेटा इसमें इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं सर। अच्छा वेरी गुड सर, मुझे एक चीज ये बताओ, एक मिनट एक चीज सुनो, और तो सुनो दोस्त, सर मेरे सामने ना एक और तो सुना था, दो मिनट के लिए कंफ्यूजन क्लियर कर लो, जिंदगी भर के लिए ये मसला लोगों के पास रहेगा। सर सर ये एक दूध का डब्बा है, ये एक दही है, ये चीनी है, दूध दही और चीनी, सर हमने क्या किया, सुनो मैं कह रहा हूं लस्सी बनानी है, चीनी नहीं डालनी, लस्सी बनानी है चीनी नहीं डालनी, अब मुझे बताओ इस बड़े डब्बे में मैं क्या क्या डालूं, दूध डाल इसको, चीनी को क्या करें, इग्नोर करें, ऐसा ना है उसको डालना है ना निकालना है, कुछ नहीं करना है। अब आपने देखा सर यहाँ एक डब्बा पड़ा है, इस डब्बे में ऑलरेडी दूध भी डल चुका है, दही भी डल चुकी है, चीनी भी डल चुकी है, अब आपको डब्बा ऐसा दिया जिसमें सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है, अब आपको कहा जा रहा है इसमें से रेलेवेंट चीज हटाओ, क्या करूं, चीनी बाहर निकालनी पड़ेगी, क्यों मुझे बताएं, इस सवाल में ये सारे काम क्यों करना पड़े, क्योंकि अंग्रेजी जुबान में वो कह रहा है इनफ्लोज इंक्लूड आउटफ्लोज इंक्लूड, इसका मतलब है सारी गंद इसमें क्या हो चुकी है, डल चुकी है, अब आपने क्या करना है, सारी गंद उसमें से, अगर सर वो आपको लिस्ट ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज दे देता तो हम क्या करते, रेलेवेंट ले लेते, इररेलेवेंट को इग्नोर करते, यहां बाहर निकालने का रीजन इसलिए कि वो गलती से इंक्लूड हो चुके हैं, ऐसा यही है, अनस क्लियर हो गया, अब आओ जरा भाई ये दही और इसके डोंगे हटाओ, बच्चे ने कहा आपने वहां इग्नोर किया था, यहां आपने माइनस क्यों किया, तो वहां इग्नोर इसलिए किया था कि वो इंक्लूडेड नहीं था, 2,66 ओके कितना, 13 ओके जी, वेरी गुड सर, 4,555 वेरी गुड यार, ये जिनका 4,55 आ रहा था, कितने लोगों का 4,55 आया, आप तो सबका आया, अल्लाह की कसम मेरा आया लेकिन आपके कराने के बाद, सर
फिर इसको किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, कॉपी करना है तो कर लो, इसको कॉपी कर लो। शाबाश। हेलो 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 अस्सलाम। हाँ मामी बोल बेटा, बोलो, आवाज कट रही है तेरी बहुत, आवाज तेरी बहुत कट रही है, व्हाट्सएप कर दे, मैं क्लास में हूँ। जी जनाब, जी मेरा बच्चा, यार बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं। सर मेरा 4,55,512 आया, इससे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार एक आध रुपए का। जी अमन, अच्छा देखो, अगर किसी बंदे ने वर्किंग किसी और तरीके से की है, किसी ने इस तरीके से की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जहां फॉर्मेट का मसला आएगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इधर फॉर्मेट फॉलो करना है, कुछ जगहों पे इस कोर्स में फॉर्मेट फॉलो करना है। जब एग्जामिनर आपसे कहे कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दें, ठीक है जी, डिस्क्लोजर नोट बना के दें, ठीक है जी, ये आएगा आगे, आईएफआरएस 15 के आसपास कुछ चीजें आएंगी, 23 में आएगा, आपको मैं सिखाऊंगा। अदरवाइज इस वर्किंग को कोई बंदा ऐसे 1, 2, 3 यहाँ डाल दे, कॉलम्स में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है जी। FAR1 की बुक के बुक शॉप आपके मैनुअल मिल जाएंगे, नहीं सर, अब आई कैप का इलेक्शन में यार सही तो लिखा करो, कुछ और ही नजर आ रहा है। चलो जी, मुझसे पूछे मैं जवाब दे देता हूँ। चलो जी मैडम, मतलब तुमने डायरेक्ट ये फिगर लिख दी, ये कर दी, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये है कि उसको ये बताओ तो सही आया कहां से, ठीक है। मैं ये वाली फिगर लिख दूंगा, वो खुद समझ जाए कि कैसे आई है, बराबर वाले की यूं कॉपी में झांका। नहीं अच्छा जी, बड़े आगे एक्सेप्ट, ये क्या है भाई, तो तुम्हें पासवर्ड ही मुझे याद नहीं है, ये क्या हो गया भाई, तो पासवर्ड ही याद नहीं है मुझे। चलो हेलो, हाँ क्लास में, हाँ बताता हूँ तुम्हें, मैं क्लास में कैसे बताऊँ, रखो फिर मैं बात करता हूँ, रखो मेरी कल बता दूँ, रखो मैं सवाल दे दूँ, बताता हूँ, ठीक। अच्छा जी बड़े एक्सेप्ट, यार यहाँ उजैफा बैठा होगा, उसको जरा बुला लो, पासवर्ड शो कर दे, इसका 10 hours ago USB पे दे दिया, डाल लगा दूं ना बगैर देखे,
ये ना हो कुछ नजर आ जाए लोगों। ये तो तस्वीर है, तस्वीर नहीं देनी ना, पीडीएफ दे देता ना पूरा, तो है हैंड आउट पड़ा हुआ, तस्वीर है, इससे निकलेगा कैसे? सही तस्वीर ही डायरेक्ट वहां पे डाल दूं, डल जाएगी। हां डायरेक्ट कॉपी मारूं, कॉपी करके वो वन नोट पे पेस्ट कर दूं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि यहाँ से पेस्ट कर दो? अबे यार पर एक मिनट दिखाएं, हटो छोड़ो, ना ना छोड़ो 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 छोड़ो, तो वहां से खोल के डायरेक्ट करके ड्रॉप कर दें, आ जाएगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्या करूँ? कोई फाइल को ड्रैग करके ड्रॉप करने फोल्डर में, ये हाँ ये उठाऊं यहाँ ले आऊं। दादा बेहतरीन, चलो बेटा आ जाओ जरा यार। और ये मनुस फॉन्ट आप देख रहे होंगे, और एआरटीटी वाले पास पेपर नहीं कराते हैं। ये मेरी फुप्पो ने रात को सवाल बनाया, बोला बेटा ये सुबह क्लास में जाके करा दे, ये हमारे बारे में पता नहीं 15,000 बातें मशहूर है, पास पेपर नहीं कराते, ये पता नहीं क्या क्या नहीं कराते, वो नहीं कराते, ये नहीं कराते। ये मेरी बड़ी वाली फुप्पो ने बनाया, ठीक है जी, आपकी पेशे नजर सर। सर ये कह रहे जनाब, फुप्पो ने कहा था आप नाम लोगे मेरा बेटा आवाज लगाएगा। जी कौन था? यहाँ देख लें सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एज डिस्क्लोज इन दी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 6,610,000। ढाई लाइन की एक बात, प्लांट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के वो मेहमान से जिनने पूछा ना, एक ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करूंगा, उसने कहा मैं अपनी अंधी माँ को ये चाहता हूँ कि वो मेरे बंगले बेताशा बंगले और उसमें मेरे बेताशा बच्चों को खेलते हुए देखे, ठीक है जी, अंधी माँ की आंखें भी आ जाए, बंगले भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, ठीक है जी, तो बच्चे को गुलदान से तो उठते नहीं है, है? यहाँ देख लें, आप बताओ दे, कह रहे द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट has been deteriorating since last year which is affecting the company's sales. प्लांट का बेड़ा गर्क हो रहा है, कंपनी की सेल्स गिर रही है। उसने कहा जनाब हमारे पास 30 जून 2000 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग, ये अगले साल की इंफॉर्मेशन, कब की है? अगले साल। उसने कहा अगले साल हमारे पास इनफ्लोज आएंगे फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। हम जो प्लांट से चीज बनाते हैं ना, अगर हम प्लांट पे कोई ओवरहॉलिंग ना करें तो अगले साल हमारी सेल्स कितनी होगी? वेरी गुड। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन ये माइनस करेंगे हम सर? यस सर, माइनस होना चाहिए सर, ये कैश फ्लोज में डेप्रिसिएशन इग्नोर पक्का। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर अक्रूवल, लास्ट ईयर का पेबल, लास्ट ईयर का पेबल तो शामिल होगा ना? नहीं सर, इग्नोर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी, क्यों? ओवरहॉलिंग के इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं लेने, एडिशनल इनफ्लोज आफ्टर अपग्रेड नो, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, मेंटेनेंस कॉस्ट चमाट, मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सी इग्नोर करनी है? वो सात की लिस्ट में थी मेंटेनेंस कॉस्ट के? नहीं सर, इसको इसको इनकॉर्पोरेट करना है। टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट्स, अब एक बात बताओ इसमें से जो लेने हैं वो थोड़े से रह गए, जो छोड़ रहे हैं वो? अच्छा इसमें मार्क्स मुझे बताओ एग्जामिनर ने किसके रखे होंगे? अच्छा एक बंद, अच्छा एक मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर बेवकूफ यहां हो तो वो कहे कि जी जो चीजें लेनी है ना उनके दो दो नंबर है, सब डाल दो,
जो चीजें लेनी है उसके दो दो नंबर दे दिया ना, जो ज्यादा लेनी है उसके नंबर तो कटने नहीं चाहिए ना। यहाँ सर चीजें छोड़ने के भी मार्क्स थे, ठीक है जी। अब बताओ हमने कौन कौन से कैश लोज लेने वैल्यू न्यूज में, एक दो मेंटेनेंस कॉस्ट बस। अब सुनो, लेकिन ये तो सिर्फ अगले एक साल के कैश लोज है, उसके आगे का क्या होगा? अंग्रेजी जुबान में वो कह रहे हैं कैश लोज ऑफ द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020। यानी कह रहा है अगले साल का जो कैश लो है वो तो निकाल लोगे तुम ऐसे, उसके अगले साल का कैश लो क्या होगा? 15% कम होगा। उसके अगले साल का कैश लो 15% और कम होगा, क्योंकि यूजफुल लाइफ कितनी प्लांट? 3 साल। अब मुझे एक बात बताओ, अगले साल जब हम कैश लोज बनाए 250, ये अगले साल 15% कम हो जाएगा? ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। आप नेट निकाल लेना नेट, और नेट कैश लोज को क्या करना, सबको 15% कम करने की जरूरत नहीं। आप पहले साल का नेट निकाल लेना, उसको आप 15% कम कर लेना। फिर वो कह रहा है जनाब, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570। ये प्लांट खरीदने के लिए एक ऑफर आ गई है। हाँ जी, क्या करूं उसको? ये आपको नहीं लगता फेयर वैल्यू है ऐसा? और वो कह रहा है जनाब हमें ये खर्चे करने पड़ेंगे इसको बेचने पे। सर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट टू सेल में आएगा? यस सर आएगा। फिर लीगल कॉस्ट भी कॉस्ट टू सेल में आएगी। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल, दुल्हन के चले जाने के बाद दुल्हन के घर वालों ने रोना रोना डाला, वो सारे खर्चे, ये सारी ये चीजें हमारे पास इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। हमने क्या करना है सर, एसेट के चले जाने के बाद जो ये रोने धोने के खर्चे हैं हम नहीं लेंगे। फिर डिस्काउंट रेट 9% है, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करो 7 नंबर के लिए, कर लोगे? अच्छा, ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है जी। जी ये होमवर्क है। अभी हमारे पास कितना टाइम रहेगा? 5 मिनट रहेगा। 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो अगली क्लास वाले कहते हैं कि सर लेट आते हैं। जी अच्छा देखो, डिस्पोजल के बारे में एक वैल्यू दी हुई है कि सर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड इतना है और 3 साल के बाद 100 मिलियन का बिकेगा, ये भी लेना है आपने वैल्यू न्यूज में, ठीक है ना? अच्छा सर सुने, ये पीडीएफ आपको अभी क्लास के कोई 2-2.5 घंटे बाद मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है जी मेरा बच्चा? डिस्पोजल पे मिल रहा है ये पैसा? डिस्पोजल पे मिलेगा ना, इनफ्लो आएगा ना, बेचेंगे। अच्छा भाई एक चीज सुन लो, एक क्लास और मैं लूंगा इसके ऊपर, और फिर इसके बाद एक क्वेज आपको दूंगा सर, क्वेज होगा, वो क्वेज आपको देना है। जब तक हम सिर्फ आप लोगों ने देखो ये करना है, एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट का पोर्टल बन जाएगा ना, तो हमारे लिए क्वेज कंडक्ट करना पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो आप जो अभी जिसने डिसाइड कर लिया कि यहाँ रुकना है, वो एटलीस्ट अपने जो ड्यूज है वो क्लियर कर लें, ठीक है? इसी वक्त बाद में कर लेना, कल परसों यार कह रहा हूँ पीडीएफ सेंड।